हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो हमने दोस्तों यसंत रेस्टोरेशन का जो सीरीज चालू किया था, इसमें यह दूसरा वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ, ताकि क्या है कि इस कार का थोड़ा वर्क है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो कौन कौन सा वर्क कंप्लीट हुआ है और इसमें कितना कॉस्ट लगा है, वो मैं सारी बातें आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और धीरे धीरे जैसे यह गाड़ी कंप्लीट होती जाएगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाता जाऊँगा, जिससे आपको पता चले कि कितना अच्छे गाड़ी रिपेयर हो रही है और कितना कॉस्टिंग इसमें आता है। तो ये सारी बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। पहला वीडियो है वो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सके कि इसमें क्या क्या हमने काम करवा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, यह पूरा का पूरा पैनल था वो पहले पार्ट में पूरा का पूरा सड़ा हुआ था। तो अभी हमने एक दूसरी कार को ली, उसका जो यह पैनल जो कबाड़ी में आई थी, उसका जो पैनल काट के हमने यहाँ पे अच्छी तरह से बिठा दिया है, ताकि यह वर्क कम्प्लीट हो गई। आगे से आगे का पूरा हिस्सा सड़ा हुआ था। दोस्तों अभी भी कार के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम अभी है, इंजन में भी प्रॉब्लम है, ब्रेक के अंदर भी प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे हम स्टेप बाय स्टेप ठीक करेंगे। तो इसके लिए सीरीज को जरूर से सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सीरीज का पूरा वीडियो है आपको देखने को मिल सके। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो आगे से ये जो पार्ट अंदर की साइड से सड़ा हुआ था, तो हमने उसे भी नया डलवा के अपने डैशबोर्ड है उसे फिर से इंस्टॉल करवा दिया है। यह काम मैं आपको बता नहीं सका कि पीछे के पार्ट में हमने जैसे देखा था कि सारा हुआ पार्ट था सड़ा हुआ, उससे सब निकाल के बिठा दिया इसे। इसके अंदर जो एसी रहता है दोस्तों, एसी का जो पूरा का पूरा है उसे हमने सर्विस कर दिया है, ताकि एसी जब हम कार को ठीक कर दे बाद में एसी में कोई दिक्कत ना आए और इसे फिर से निकालना ना पड़े। इसका एसी का वर्क अंदर की साइड से कम्प्लीट हो चुका है, बाहर की साइड से बाकी है। इसके अलावा हमने देखा था कि इसके जो डोर थे वो काफ़ी सड़े हुए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके जगह पे हमने ये नया डोर लगवा दिया है। वो पुराने डोर थे वो सारे के सारे खराब हो गए थे, ये पूरा का पूरा जो डोर है हमने रिप्लेस करवा दिया है। तो ये एक, और आप देख सकते हैं इस साइड भी ये डोर है हमने रिप्लेस कर दिया है। अभी कई कई जगह पे जो गड्ढे रहते हैं उसे हमें ठीक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरा का पूरा पेंट वर्क करना रहेगा। तो अभी लापी का काम स्टार्ट है, तो वो मैं पेंट का वर्क है वो आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगा। अभी हमने क्या क्या ठीक किया है वो सारी बातें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आगे का हो गया। बाद में हमने देखा था कि इसका फ्लोरिंग था, यहाँ जो फ्लोरिंग रहता था वो दोस्तों ये पूरा का पूरा सड़ा हुआ था, उस वीडियो में हमने देखा था। तो आप देख सकते हैं, इसे भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो अगले वीडियो में हमने देखा पीछे के साइड बहुत कोई काम बचा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह पे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए यह पीछे के साइड हमने कुछ अभी नहीं करवाया है। यहाँ पे सिर्फ पेंट वर्क होगा, बाकी हमने यह डोर को चेंज कर दिया। अभी क्या, इसकी जो सारी की सारी सीट है उसे इंस्टॉल करना होगा। यह सीट अभी हमने ऐसे ही रखी है। तो इतना काम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी क्या है कि इसका जो पेंट वर्क है वो स्टार्ट है। या जो अलग कलर के डोर रहते हैं, पूरी की पारी गाड़ी को हम रिपेंट करने वाले हैं, ताकि पूरी गाड़ी अच्छी तरह से लगे। तो दोस्तों आप देखते हो अभी क्या, इसके ब्रेक है उसके अंदर प्रॉब्लम है, ब्रेक पैडल पूरा का पूरा नीचे चला जाता है। तो यह है प्रॉब्लम एक, उसे भी हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप देख सकते हैं इंजन है पूरा मिसिंग चल रहा है, उसके इंजन है वो मिसिंग चल रहा है, ठीक से पावर नहीं दे रहा है। तो यह जो इंजन का प्रॉब्लम है उसे भी हम अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ताकि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि यह कौन सा प्रॉब्लम है और किस तरह से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों तो इसका मिसिंग का प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी हम इसका पेंट वर्क करेंगे पहले, बाद में यह पूरा का पूरा ग्लास है वो नहीं आ जाएगा। पुराना जो टूटा हुआ ग्लास आपने देखा था उसे हमने अभी हटा दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे भी लाइटिंग को लगाया जा रहा है। बाद में इसे सरफेस को अच्छी तरह से पॉलिश करके इस पर पेंट होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि हमने क्या क्या काम पहले के वीडियो में मैं बताया था, वो कौन सी चीज़ें हमने अभी ठीक करवा ली है। अभी क्या, इसका पेंट वर्क होगा। बाद में आप देख सकते हैं ना, इंजन का आवाज़ है ठीक, आवाज़ नहीं है, और उसका जो मिसिंग है उसे हमें पहले ठीक करना होगा। तो कौन सा प्रॉब्लम है और किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, यह सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी कितना कॉस्टिंग आया पेंट वर्क का और बॉडी वर्क का, वो मैं आपके साथ, या पेंट का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर आपके पास कोई आइडिया हो कि इसमें कितना खर्चा आ सकता है, तो अभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।